किसी से मिलने ही नहीं दे रहे हैं लोग डायरेक्टली। आज मेरा बर्थडे, यही गिफ्ट है कि गल खाली करने के लिए। पहला मर्डर यादव का हुआ है और बाद में पांच मर्डर मंडी लोगों का हुआ। मैं सदैव इस राजनीति का विरोधी हूँ। घर बड़ी मुश्किल से बनता है। अगर इनका घर गिर जाएगा तो कहाँ रहेंगे ये? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देवरिया कांड में योगी सरकार शासन प्रशासन के एक पक्षी होने के आरोपों के बीच सवर्ण मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, इस हत्याकांड में मारे गए दोनों पक्षों में सत्य प्रकाश दुबे बेहद गरीब था, उसके रहने की व्यवस्था भी ठीक ढंग से नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ प्रेम यादव का घर दिखाया जा रहा है, उसके राजनीतिक और सामाजिक रसूख की बात कही जा रही है। सलम मणि त्रिपाठी जैसे जातिवादी विधायक ये एंगल लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कमजोर के साथ हैं, मगर आर्थिक तौर पर तो ऐसा कहा जा सकता है लेकिन सामाजिक तौर पर ऐसा नहीं है। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में यह एंगल निकाला जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह योगी के बुलडोजर के विरोधी हैं, उन्हें बुलडोजर की राजनीति पसंद नहीं है। नेशनल जनमत ने उसी बाइट में एक दूसरा एंगल निकाला है जो ये बताता है कि मनुवादी और सामंतवादियों की नजर में आर्थिक वर्चस्व से ज्यादा जरूरी जाति वर्चस्व है। ब्रजभूषण शरण सिंह से जब दोनों पक्षों को लेकर के सवाल किया गया, इसके जवाब में ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो कहा, पहले उसको सुनिए। पहला मर्डर यादव का हुआ है और बाद में पांच मर्डर पंडित जी लोगों का हुआ है। पहला मर्डर यादव का हुआ है और बाद में पांच मर्डर पंडित जी लोगों का हुआ है। जिस सामाजिक पक्षपात की बात मैं कर रहा हूं, क्या आप उसको पकड़ पाए या नहीं तो बता देता हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं पहला मर्डर यादव का हुआ, फिर इसके बाद पंडित जी लोगों का हुआ। पहला मर्डर यादव का, यादव जी का नहीं। इसके बाद जो मर्डर हुआ वो दुबे का नहीं, पंडित जी लोगों का। न सुन पाए हो तो दोबारा से सुनिए। पहला मर्डर यादव का हुआ है और बाद में पांच मर्डर पंडित जी लोगों का हुआ है। ब्रजभूषण और योगी आदित्यनाथ के बीच में टकराव है। ब्रजभूषण क्या दूसरी पार्टी से लड़ेंगे? इस मसाले को ढूंढने की बजाय मेरा ध्यान इस सामाजिक पक्ष पर गया। ये जो सामाजिक पहलू है, यही पहलू शासन प्रशासन और योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई में भी नजर आ रहा है। जो लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करते हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए। आज भी देश में मान सम्मान और प्रतिष्ठा रुपए पैसे अमीर गरीब के हिसाब से नहीं बल्कि जाति देखकर मिलती है, वरना प्रेम यादव यादव जी हो जाते और दुबे महज दुबे बनकर रह जाता। हो सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह जिस समय ये बोल रहे हो उनके दिमाग में ऐसी इंटेंशन ना हो, मगर दिमाग में पहले से ही फीड है कि किस जाति को कितना सम्मान देना है। अगर यादव कहने के बाद दुबे जी कहते तो मान सकते थे कि अनायास कहीं जी लगा कहीं नहीं, लेकिन पहला मर्डर यादव का, उसके बाद पंडित जी लोगों का हुआ। हां, एक और एंगल हो सकता है, अगर कोई अपराधी हो तो उसको सम्मान देने की परंपरा नहीं है, मगर इस घटनाक्रम में प्रेम यादव के परिवार ने सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार को नामजद किया है प्रेम यादव की हत्या में, लेकिन प्रेम यादव पर अभी तक हत्या का आरोप भी नहीं है। अब आप कह सकते हैं हो सकता है ऐसा अनायास निकल गया हो, लेकिन ब्राह्मणवादी मीडिया का चरित्र देखिए। नवारा टाइम्स में खबर छपी है, देवरिया मर्डर केस कर्मकांड कराने घर पहुंचे देवेश। हेडिंग के नीचे खबर है हिंसा में मारे गए सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश गुरुवार को एकादशा और नारायण बलि पूजा करने अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही वह फवक कर रो पड़े। घर के अंदर थोड़ी देर रुकने के बाद देवेश बगीचे में पहुंचे, मतलब रो पड़ा की जगह रो पड़े, पहुंचा की जगह पहुंचे। प्रिंट मीडिया में मैंने भी कई साल काम किया है, किसी भी व्यक्ति के लिए
सम्मान पूर्वक शब्द तब लिखे जाते हैं जब वो कोई संवैधानिक पद पर हो, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। देवेश की उम्र बामुश्किल 20-25 साल है, तो आखिर उसको इतना सम्मान, इतना ओहदा क्यों? मेरा माथा ठनका, मैंने देखा कि खबर लिखी किसके द्वारा गई है और मेरा जो शक था वो सही निकला। एडिटेड बाई अभिषेक शुक्ला, कंट्रीब्यूटेड बाई कौशल किशोर त्रिपाठी। अगर ये जातिवाद नहीं है तो यही गलती, यही सम्मान प्रेम यादव के परिवार वालों के लिए गलती से भी क्यों नहीं निकला? ये जो मानसिकता है समाज के अंदर फैली हुई, यही मानसिकता शासन प्रशासन और योगी सरकार में भी परिलक्षित हो रही है। इसलिए एक तरफ के बच्चे के बर्थडे को संवेदना की तरफ देखा जा रहा है, दूसरी तरफ एक बच्ची के जन्मदिन पर यह रोना कि मेरा घर गिराया जा रहा है, मुझे बेदखली का आदेश आ गया है, इस पर लोगों की संवेदना नहीं फूट रही। यह संवेदना निकल भी रही है तो जाति आधार पर। नेशनल जनमत इस पूरे घटनाकांड में बेहद हैरत में है कि राजनीति क्या क्या ना करवाए। सामान्य तौर पर किसी भी जाति के लोग जब आसपास रहते हैं तो उनके अंदर इतनी वैमनस्यता नहीं होती जितनी राजनीति करवा देती है। इस पूरे कांड में वहां के स्थानीय विधायक सलम मणि त्रिपाठी ने जातिवाद का जो बीज बोया है उसको कई साल तक उस आसपास के क्षेत्र से नहीं निकाला जा सकेगा। महज इस अति महत्वाकांक्षा में कि मैं जाति का बड़ा नेता साबित हो जाऊं और योगी जी की नजर में उठ जाऊं। खैर, नेशनल जनमत ने देवरिया कांड पर बनाए पिछले वीडियो में जो मुद्दा उठाया था, योगी जी ने मेरे भरोसे को कायम रखा। मैंने कहा था कि यादव पक्ष के लोगों पर कुछ भी लिखने पर कार्रवाई हो जा रही है, दो लोगों को जेल में ठूंस दिया जा रहा है, मगर दूसरी पक्ष के लोग मार देंगे, काट देंगे, फरसा उठा लेंगे, जेल में घुस करके हत्या कर देंगे। इतने सब कहने के बावजूद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।